मैं बबुल नायक सभी को मेरे चैनल बेन अकाउंटिंग में स्वागत करता हूं। आज हम अकाउंट में चैप्टर नंबर 7 में क्वेश्चन नंबर 5 का सब क्वेश्चन नंबर 9 करने वाले हैं। चलिए मैं क्वेश्चन रीड करता हूं। क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि पेढ़ी के विसर्जन के समय यंत्र 2 लाख है, बही कीमत से उपज मिलती है। ओके, चलिए जो यंत्र है वो क्या है, हमारा संपत्ति, और संपत्ति खाता उधार होता है, इसलिए रोजनामचा ये बहुत सिंपल है, आपको पता ही है। तो रोजनामचा क्या हो जाएगा, वसूली खाता उधार यंत्र खाते का। ओके, ये पहला रोजनामचा हो गया, 2 लाख 2 लाख, और उसका उपज भी बही कीमत ही मिलती है, मतलब उसका उपज बिक्री करने से बही कीमत मिलता है। अब बेचेंगे तो क्या आएगा, रोकड़ आएगा, इसलिए सेकेंड रो नाम से क्या हो जाएगा, रोकड़ बैंक खाता उधार वसूली खाते का, और बेचने पर भी कितना आया, 2 लाख 2 लाख आया। और विवरण में हम क्या लिख सकते हैं, यंत्र में 2 लाख, यंत्र की उपज 2 लाख मिला उसका। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन सिंपल था इसलिए मैंने फास्ट किए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कोई एक साझेदार पेढ़ी के विसर्जन की कार्यवाही करने की जिम्मेदारी स्वीकार करता है, उसके बदले में उसे पारिश्रमिक के रूप में 20,000 चुकाने का निश्चय किया है। पेढ़ी ने उसे खर्च पेटे 12,000 चुकाया है। क्वेश्चन को वापस रीड कर रहा हूं कि कोई साझेदार पेढ़ी के विसर्जन की कार्यवाही करने की जिम्मेदारी स्वीकार करता है। तो विसर्जन की कार्यवाही कौन करता है, तो कंपनी को करना होता है, लेकिन यहाँ पे कोई एक साझेदार है ना, चुकाने के स्वीकार करता है, उसके बदले में उसे पारिश्रमिक के रूप में कितने रुपए चुकाया, 20,000 रुपये चुकाना निश्चय किया है, और पेढ़ी ने उसे खर्च पेटे 12,000 चुकाया है। ओके, तो 12,000 चुकाया हुआ है, तो उसके लिए हमको रोजनामचा आपकी बुक में जिस प्रकार से दिया है, बहुत अलग मेथड से दिया हुआ है, आप उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने आप जाओगे तो आपका आंसर गलत हो सकता है, इसलिए मैं जिस प्रकार से करा रहा हूँ प्लीज़ उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। पहले तारीख, विवरण, खापरू, उधार और जमा। ओके, यहाँ पे हम 2 रोजनामचा नहीं, मैं आपको यहाँ पे कंबाइन रोजनामचे के थ्रू यहाँ पे एक ही रोजनामचे में कराने वाला हूँ। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन आए तो यहाँ पे लिखना है वसूली खाता उधार, वसूली खाता उधार, अमाउंट कितने रुपए दिया है, 20,000 चुकाने का निश्चय किया, तो उधार में मैंने 20,000 चुका दिया। सेकेंड, यहाँ पे ओनली चुकाया कितना है, 12,000 चुकाया है, तो 12,000 चुकाया है तो पैसा जाए तो जमा रोकड़ अथवा बैंक खाता उधार, कितने रुपए, 12,000 चुकाया है तो मैंने लिख दिया 12,000, लेकिन 20,000 का था बट 12,000 ही चुकाया है, तो 8,000 अब क्या करेंगे, साझेदार को डायरेक्ट मिल जाएगा, कहाँ पे मिलेगा, तो साझेदार की पूंजी खाते में मिल जाएगा, तो यहाँ पे लिखा कि साझेदार की पूंजी खाते का, सॉरी यहाँ पे रोकड़ बैंक खाते का आएगा, ना आया तो वापस से बोल रहा हूँ कि 20,000 चुकाना निश्चय क्या, लेकिन चुकाया ओनली कितना है, 12,000 चुकाया, तो 8,000 क्या, 8,000 कंपनी को चुकाना बाकी है, तो कंपनी रोकड़ में नहीं चुकाया तो साझेदार की पूंजी खाते में उसको पैसा मिल जाएगा, इसलिए रोजनामचा क्या बनेगा, वसूली खाता उधार रोकड़ बैंक खाते का, 12,000 जो चुकाया, और जो 8,000 चुकाया तो उसको हम कहाँ पे लिख देंगे, जो साझेदार को मतलब 8,000 चुकाना बाकी है उसके साझेदार के पूंजी खाते के जमा पक्ष में लिख देंगे, इसलिए साझेदार की पूंजी खाते का। आप उदाहरण में जिस प्रकार से भी दिया हो आप रोजनामचा इसी प्रकार से लिखना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ऐसा लिखा है कि पेढ़ी के विसर्जन के समय देनदार 1,20,000 है, तो देनदार हमारा क्या है, आपको पता है देनदार हमारा संपत्ति है, तो देनदार 1,20,000 और लेनदार 60,000 है, लेनदार हमारा क्या है, दायित्व है। ओके, तो लेनदार 60,000 है,
फिर क्या बोला है, एक साझेदार 20% कम कीमत पर से देनदार से लेकर लेनदार को चुकाता है। मतलब जो देनदार 1,20,000 है, वो 20% कम कीमत पर हम इससे पैसा लेते हैं, वो चुका किसको देते हैं, लेनदार को चुका देते हैं। तो चलिए उसकी रोजनामचा लिखते हैं। तो सबसे पहले देनदार और लेनदार की रोजनामचा लिख देते हैं। तो सबसे पहला रोजनामचा क्या बनेगा देनदार का, देनदार संपत्ति है, इसलिए संपत्ति के लिए क्या लगता है, वसूली खाता उधार और देनदार खाते का अमाउंट कितना है, 1,20,000। तो उधार में 1,20,000 और जमा में भी 1,20,000 रुपए। ओके, आया समझ में। विवरण क्या लिखेंगे, विवरण वसूली खाते लाया उसका, ये किसका रोजनामचा हमने लिख दिया, देनदार का। देन सेकेंड हम क्या लिखते हैं, लेनदार की रोजनामचा लिखते चलिए। तो लेनदार हमारा क्या है, दायित्व है, तो रोजनामचा क्या लिखेंगे हम, लेनदार खाता उधार वसूली खाते का, लेनदार खाता उधार वसूली खाते का। तो लेनदार दिया कितना है, 60,000, तो उधार में भी 60,000 और जमा में भी 60,000 लिख दिए। आया इतना आपको समझ में, ओके। देन नेक्स्ट बोला क्या है, नेक्स्ट बोला क्या है कि 20% कम कीमत पर से देनदार से लेकर लेनदार को चुकाया, 20% कम कीमत पर देनदार से लिया। तो पहले रोजनामचा लिख देते फिर अमाउंट यहाँ पे आपको विवरण लिखना है तो लिख सकते हो, वसूली खाते लाया उसका। ओके, चलिए तीसरा। अब क्या करना है, एक साझेदार देनदार से पैसा लेकर लेनदार को चुकाता है, देनदार से। अब देनदार पैसा देगा तो हम रोजनामचा क्या लिखते हैं कि रुक्कड़ बैंक खाता उधार वसूली खाते का, रुक्कड़ बैंक खाता था क्योंकि पैसा आएगा। लेकिन यहाँ पे पैसा किसके पास आ रहा है, साझेदार के पास आ रहा है ना, क्योंकि एक साझेदार ने 20% कम कीमत पर लेनदार से लेकर देनदार से लेकर लेनदार को चुकाया। मतलब यहाँ पे पूरी साझेदार की बात हो रहा है, तो यहाँ पे रुक्कड़ बैंक खाता नहीं आएगा, तो क्या आएगा, साझेदार की पूंजी या चालू खाता उधार वसूली खाते का विवरण, 20% कम कीमत से देनदार लिया उसका। ओके, अब अमाउंट लिखना है, तो अमाउंट के लिए आप कैलकुलेशन में नीचे कर रहा हूं, 1,20,000 का 20% ना, 20% करेंगे तो 24,000 आएगा, ठीक है, 12×2=24,000 आएगा। तो 24,000 कम लिया, तो 1,20,000 में से 24,000 माइनस करेंगे तो बचा कितना, 96,000। तो देनदार से हमने कितने रुपए लिए होंगे, 96,000। तो यहाँ पे लिखा कि अमाउंट में कि हमने उससे 96,000 रुपए लिए, तो उधार में 96,000 और जमा में 96,000। आया समझ में, एक साझेदार लिया इसलिए रोकड़ बैंक के जगह पे साझेदार का नाम लिखा, मतलब साझेदार की पूंजिया चालू खाता उधार। अब लेनदार को चुकाया, यदि लेनदार को चुकाते तो रोजनामचा हम क्या लिखते हैं कि वसूली खाता उधार चुकाया तो रोकड़ बैंक खाते का। लेकिन यहाँ पे रोकड़ बैंक जा नहीं रहा है क्योंकि साझेदार चुका रहा है, तो यहाँ पे नाम किसका आ जाएगा, साझेदार का आ जाएगा। मतलब रोजनामचा क्या बनेगा कि वसूली खाता उधार यहाँ पे रोकड़ से नहीं चुका रहा है, साझेदार चुका रहा है, इसलिए साझेदार की पूंजी अथवा चालू खाते का अमाउंट कितना है, लेनदार 60,000 है ना, तो उसको हम 60,000 ही चुकाएंगे ना, तो 96,000 उससे लिए तो 96,000 नहीं चुकाएंगे, उसका जो पैसा था उतना ही चुकाएंगे। तो उसका पैसा कितना था, 60,000 रुपये था, तो 60,000 चुका दिए। विवरण आपको यहाँ पे क्या लिख दोगे, विवरण क्या लिख दोगे कि लेनदार चुकाया उसका, लेनदार चुकाया उसका। ओके, आया आपको ये
आपको मैं चारों रोज नाम से एक बार अच्छे से लिखा देता हूँ, वापस रिवीजन जैसा करा देता हूँ। देनदार से पैसा लिया इसलिए रोज नाम चाहे क्या लिखेंगे कि वसूली खाता उधार देनदार खाते का। देनदार कितना दिया था 1,20,000। फिर लेनदार दायित्व है इसलिए लेनदार खाता उधार वसूली खाते का 60,000। फिर क्या बोला है कि 20% कम कीमत से देनदार से लिया पैसा यदि आता तो रोकड़ बैंक लिखते यहाँ पे, लेकिन साझेदार ले रहा है इसलिए साझेदार की पूंजी चालू खाता उधार वसूली खाते का 20% कम किए तो 96,000 आ गया। और फिर लेनदार को चुकाना है, चुकाते तो रोकड़ बैंक जाता लेकिन यहाँ पे साझेदार चुका रहा है इसलिए वसूली खाता उधार साझेदार की पूंजी चालू खाते का उसके 60,000 था, तो हमने 60,000 चुका दिए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, आर बी और आई साझेदारी के बीच लाभांश का वितरण 3:2 के प्रमाण में होता है। सामान्य अनामत मीन्स एकत्रित क्या हुआ लाभ है, लाभानी खाते की उधार बाकी मीन्स एकत्रित हानि है, ये क्या है एकत्रित हानि है ओके। और ये एकत्रित सामान्य अनामत एकत्रित लाभ होता है, कारीगर अकस्मात मौजा फंड ये एकत्रित लाभ होता है, और ये लाभानी खाता एकत्रित हानि है। ये एकत्रित लाभ और हानि होने के कारण इसे साझेदार के बीच बांटा जाता है, वसूली खाते में नहीं लिया जाता है। जैसे सामान्य अनामत खाता है तो ये एकत्रित लाभ है, तो इसलिए मैंने लिखा कि सामान्य अनामत खाता उधार नाम साझेदार क्या है आर बी और आई, तो आर की पूंजी अथवा चालू खाते का, बी की पूंजी या चालू खाते का और आई की पूंजिया चालू खाते का, ऐसा रोज नामचा बनेगा। अब सामान्य अनामत दिया कितना है 18,000, इसलिए मैंने उधार में लिखा 18,000 है। अब उसको क्या करना है साझेदार के बीच बांटना है, अनुपात कितना दिया है 3:2:1 है, तो 3:2:1 में बांटेंगे 18,000 को, 3:2:1 में बांटोगे कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले का कितना हो जाएगा 9,000, 6,000 और 3,000 हो जाएगा। और विवरण क्या लिख दोगे, एकत्रित लाभ बांटा उसका ओके। ये क्या हो गया सामान्य अनामत का रोज नामचा हो गया ओके। उसके बाद लाभानी खाता की उधार बाकी मीन्स एकत्रित हानि, हानि तो आपको पता है ना रोज नामचा उल्टा हो जाएगा, तो मीन्स क्या लिखेंगे आर की पूंजी खाता उधार बी की पूंजी या चालू खाता उधार और आई की पूंजी या चालू खाता उधार, ये आपको समझ में आ रहा है इसलिए मैं ना थोड़ा स्पीड में बता रहा हूँ। और कौन सा हो जाएगा लाभानी खाते का, लाभानी खाते का ओके। लाभानी खाता कौन सा शेष हो जाएगा, जमा में आ जाएगा क्योंकि कौन सा शेष है उधार शेष है। अब रोज नाम से लिखेंगे तो लाभानी खाता यहाँ पे कितना दिया है 12,000 दिया है, इसलिए मैंने जमा में 12,000 लिख दिया। अब उसको बांटना है तो बांटेंगे तो 3:2 में कितना आ जाएगा 6,000, 4,000 और 2,000। विवरण क्या लिख दोगे लाभ हानि बांटा उसका, आया समझ में। यदि लाभ हानि खाते की जमा शेष दिया होता तो क्या लिखते, जमा शेष दिया होता तो वो एकत्रित लाभ ही होता, तो उससे हम लिखते कि लाभानी खाता उधार आर की पूंजी खाते का, बी की पूंजी खाते का और आई की पूंजी खाते का, लेकिन यहाँ पे उधार शेष दिया मीन्स एकत्रित हानि है। फिर कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड, ये भी एकत्रित लाभ है, एकत्रित लाभ है तो क्या लिखेंगे वही कि कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड खाता उधार आर की पूंजी खाते का, बी की पूंजी खाते का और आई की मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ पूंजी खाते का, समझ रहे हो ना ये पूंजी खाते का। तो कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड है कितने का, ये भी 18,000 का है, तो कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड यहाँ पे 18,000 लिख दिया और आर की पूंजी खाते का 3:2:1 में बांटेंगे तो 9,000, 6,000 और 3,000 बांटना आता है ना आप लोगों को, तो उस हिसाब से बांट लाए। और विवरण में क्या लिख देना है कारीगर ओके अकस्मात मुआवजा फंड बांटा उसका, आया आपको ये क्वेश्चन समझ में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। इसके साथ हमारी क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है, तो आगे की जो क्वेश्चन नंबर 6 है हम नेक्स्ट पीरियड में करने वाले हैं। थैंक यू।